ये तुम्हें ये इनकी कैमरा भाई मुंह से ब्लड आ रहा है इनके। मैं बोल रहा हूँ एक बार मशाल घुमाओ इनके ऊपर, बाबा की दी हुई कृपया अपने पास। जय श्री राम। उठा 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 चला। मैं लाइट उठाता हूँ इनकी। जीतू भैया ये क्या हालत है। चलो चलो हाँ चलो 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 और आगे चलो। ब्लड गिर रहा है इनके मुंह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले दो घंटे से मैं ऐसी लोकेशन ऐसे जंगल को पार करके जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, मेरी जो घर की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं वापस सोनिया को घर में छोड़ चुका हूँ और वापस उसी जंगल के अंदर मैं मनोज और केपेल स्त्री किशन जी की मदद के लिए मुझे जाना है। दोस्तों मैं इस जंगल के अंदर करीबन शाम को 6 बजे से कंटिन्यू इस जंगल में चल रहा हूँ और अभी इस समय मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और ये कैमरा जब से मेरे साथ में अजीब अजीब सी एक्टिविटी चालू हुई है तभी मैंने ये कैमरा ऑन कराया, नहीं तो सिर्फ मेरी लाइट ही ऑन थी। दोस्तों मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। मुझे पल पल में ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है। अब वो क्या है मुझे अभी तक कोई चीज़ दिखी नहीं है। मैंने इसीलिए ये कैमरा ऑन कराया क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो आँखों से नहीं दिखती है और कैमरे के अंदर नोट हो जाती है। तो मैंने ये कैमरा इसीलिए ऑन कराया ताकि मैं भी देख सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जितेंद्र मारोठिया पे विज़िट करके आप देख सकते हो कि मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ, कहाँ किस लिए जा रहा हूँ। तो आपको सारे सवालों के जवाब मेरे चैनल जितेंद्र मारोठिया पे मिल जाएंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके बराबर। और प्लीज़ आपका प्यार मुझे बहुत कम मिल रहा है। आपका प्यार ही है जो मेरी ताकत है। आपका प्यार अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी ताकत अधूरी हो जाएगी बिल्कुल। और मैं ऐसी लोकेशन पर विज़िट दोस्तों जो लोकेशन मेरे मोबाइल के ऊपर आई हुई है मनोज की और केपेल हिस्ट्री की वो यहाँ से करीबन लगभग 3 किलोमीटर के आसपास और रह गई है और ये जंगल 3 किलोमीटर का और बचा है। और अभी इस समय मैं उसी लोकेशन के आसपास आया हूँ जहाँ पे सोनिया और हम निकले थे और वहाँ से मजबूरी में हमारे को वहाँ से निकलना पड़ा यहाँ से क्योंकि हमारी बैटरी वगैरह थी वो घर पर रह गई थी, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई थी। जंगल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बैटरी के कारण मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा। तो ज़्यादा टाइम मैं ख़राब आपका नहीं करूँगा और सीधा चलता हूँ लोकेशन की तरफ। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ी लाइट बढ़ा लेता हूँ, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको कैमरे के अंदर नज़र आती है तो प्लीज़, हो सकता है मेरी आंखों से वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कि जितेंद्र भैया वो चीज़ हमें इतने मिनट इतने सेकंड पे दिखी है। दोस्तों ये जो सामने रास्ता जा रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर जो व्हाट्सएप लोकेशन आई थी उस लोकेशन के हिसाब से ये बिल्कुल सामने की तरफ ही वो रास्ता जाता है।
और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, मेरे साथ में जो कैमरामैन आने वाला था उसकी कोई मजबूरी हो गई, उसने हाथ खड़े कर दिया और बोला जितेंद्र तेरे को अकेले को ही जाना पड़ेगा, अगर तू जा सकता तो जा, नहीं तो जाना ज़रूरी नहीं है। मगर दोस्तों यार दोस्ती का सवाल है और उनको मेरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे अकेले को ही आना पड़ा। दोस्तों आप सुन सकते हो इस जंगल की आवाज़, इतने जानवर इतने सब कुछ बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों सही बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि यार जितेंद्र भी आप डरते नहीं हो, मैं कह रहा हूं मुझे भी इस जंगल के अंदर बहुत ज़बरदस्त डर लग रहा है। इस समय मेरे रोंगटे खड़े हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो आवाज़ें हैं वो ज़्यादा डरा रही है मुझे। मैं चारों तरफ एक बार घुमा के बता दूं, देखो मैं किस जगह खड़ा हूँ अभी, ये पीछे की साइड से मैं आया था। और अगर आपको कैमरे में कोई भी चीज़ नज़र आ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे को यहाँ से 3 किलोमीटर के बस इस जंगल से निकल जाऊँ और मैं मनोज के पास पहुँच जाऊँ। कौन है? क्या कोई है मेरे आसपास? सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप मानोगे नहीं इतनी बुरी हालत हो रही है इस सर्दी के अंदर। मगर एक दोस्ती भी एक रिश्ता होता है, उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। कौन है? ये धूल उड़ रही है दोस्तों, पता नहीं क्या चीज आई थी। देखो अगर आप यहां पे हो आसपास तो मेरे सामने आओ। सामने कोई है दोस्तों, शायद उस पेड़ के पास में, पता नहीं क्या चीज़ चमक रही है सामने, अजीब सी चीज़ मुझे दिखी है। अरे बाप रे दोस्तों कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जूम करके। ये देखो कोई चीज़ ऐसी जैसे मुझे देख रही हो पेड़ के पीछे से। मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, मेरे चीज़ है कोई ना कोई पीछे। देखो दोस्तों मैं वापस दिखाता हूँ आपको, वो चीज़ कोई ना कोई चीज़ मेरे आगे पीछे आ रही है, मेरे पीछे है वो। देखो वो पेड़ के पीछे कुछ है, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं कैसे भी इस जंगल से पार हो जाऊँ बस एक बार। मुझे डाउट था कि मेरे कैमरे ऑन होने के पहले भी कुछ आवाज़ आई थी, तभी से मुझे डाउट था कि कोई ना कोई चीज़ मेरे पीछे है। मुझे वापस देखना मेरे आगे पीछे कोई है क्या। वो देखो देखो दोस्तों कोई मेरे खाना, कोई ना कोई चीज़ मेरे पीछे है, ये समझ में नहीं आ रहा चीज़ क्या है। पता नहीं कोई पिशाच या कोई, ये जानवर नहीं हो सकता, ये जानवर नहीं हो सकता। हे भगवान बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे लोकेशन पे पहुंचा दो एक बार।
ये सामने क्या है दोस्तों? शायद आपको नजर नहीं आ रही है, मगर मुझे वही चीज नजर आ रही है जो सोनिया को और मुझे दिखी थी। बाप रे, ये मेरे को घेर लिया इन्होंने। देखो मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे मेरे रास्ते जाने दो। मेरे पीछे। मैं कैसे निकलूं भगवान? ओ देखो दोस्तों, ये चीज आगे आ गई। मेरा कैमरा अलग ब्लर हो रहा है। और बाप रे दोस्तों, ये वही चीज है जो सोनिया को और मुझे रोकना चाहती थी। मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन चीजों से बात करके भी रास्ता बनाया जा सकता है। देखो आप जो भी हो, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मैं आपके हाथ और पैर जोड़ता हूँ, मुझे मेरा रास्ता जाने दो। दोस्तों ये देखो, मैंने कहा है बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करना। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज बिल्कुल सामने खड़ी है मेरे। पता नहीं ये मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है। हे बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करो और मुझे रास्ता दो, इन चीजों से मुझे बचाओ। मैं डरूंगा नहीं। मैं देखता हूँ ये चीज आगे बढ़ती है, ये क्या होती है दोस्तों। वो मेरे पीछे आ रहा है दोस्तों, ये देखो। दोनों की दोनों चीज, बाप रे, बिल्कुल मेरे पास में आने की कोशिश हो रही है। बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करो। देखो आप जिस भी चीज को मानते हो उसकी कसम है मेरा रास्ता छोड़ दो। और आप जो भी हो, जो भी मेरे आगे पीछे आ रहा है, मेरा रास्ता छोड़ दो। दोस्तों मुझे केवल इधर जाके देखना है कि वो जो ब्लैक शैडो दिख रही है वो मेरे पीछे आ रही है कि अभी भी, क्योंकि ये चीज मेरी सेफ्टी की वजह से मेरे ज्यादा पास में नहीं आ पा रही है। मुझे वो चीज देखनी है, वो चीज क्या है? ये चीज तो बराबर मेरा पीछा कर रही है, और मुझे ना लोकेशन अलग पता नहीं पड़ रही है, मैं जाऊं किधर? ओ बाप रे दोस्तों, देखो अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये जो भी चीज है वो मेरे पीछे आ रही है, और अभी ये चीजें बिल्कुल पास में है। शायद कैमरे में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो दोस्तों, दोनों की दोनों चीजें मेरे पास में नहीं आ पाओगे आप, मुझे पता है। आप दोनों मेरा रास्ता। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे और पीछे तो नहीं है कोई, वो देखता हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों चीज मेरा पीछा कर रही है। इसकी आंखें बहुत खतरनाक, ये जिन है, मैं ये कन्फर्म बोल सकता हूँ, ये जिन है। और ये कोई ना कोई है जो खजाने से रिलेटेड है दोनों, ये मुझे दोनों चीज रोकना चाहती है।
और ये दोनों पास में मेरे। देखो मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी बुरा हाल हो जाएगा। मेरे पास में वो सेफ्टी है। दोस्तों मैं हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हनुमान चालीसा बोलने से पीछे हटती है तो मैं समझ जाऊँगा ये चीज बजरंगबली से डरती है। हे श्री राम भगवान, आज साबित कर देना हे बजरंगबली भगवान कि आपके इस हनुमान चालीसा में दम है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सितिव लोक उजागर, राम दूत अतलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति नमार सुमति के संगी, कंचन वरण विराजे, सुनेसा कान मुकुंडल कुंचित केसा, हाथ बज ओ ध्वजा विराजे, पाने आंधे मुँह जनऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप, माँ जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर, प्रभु चरि सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दोस्तों मैं ये जब से बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ कोई जगह चेंज नहीं कर रही है, मुझे मेरा रास्ता हनुमान चालीसा बोलते हुए जाता हूँ। देखिए ये सामने आती है कि अब केसरी नंदन तेज प्रताप, माँ जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर, प्रभु चरि सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुस्वरूप सिया दिखावा विकट रूप धरे, लंक चलावा भीम रूप धरे, असु सहारे रामचंद्र के का सवारे, लाए सजीवन लखन जी है। बजरंगबली भगवान पता नहीं यार दोस्तों वो चीज़ थी कौन सी थी, या कोई जानवर था मुझे पता नहीं है, मैं हनुमान चालीसा भी पूरी बोल नहीं पाया, मुझे लोकेशन मालूम नहीं पड़ रही है, मुझे निकलना है यहाँ से बस। दोस्तों हे बजरंगबली भगवान, मैं आपकी हनुमान चालीसा पूरी बोल नहीं पाया क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ मुझे टच करी पीछे से और मेरा डर घुस गया। मैं कैसे निकलूँगा हे भगवान। Ah!